यूपी के बिजनौर से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सभी को हैरत में डाल दिया। ऐसा मामला जिसने डॉक्टर के होश उड़ा दिए। एक ऐसा अजीबोगरीब मामला जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ, आपने पहले इस तरह की खबरें जरूर सुनी होंगी कि एक व्यक्ति के पेट से कैंची निकली, फला व्यक्ति के पेट से प्लास्टिक का टुकड़ा निकला, कील निकला, सिक्का निकला। लेकिन अब जो खबर हम आपको बताने वाले हैं वो इन खबरों से बिल्कुल अलग है और हैरान कर देने वाली है। दरअसल ये मामला है बिजनौर का, जहां 14 साल के मासूम बच्ची के पेट में कुछ दिनों से दर्द हो रहा था। बच्ची का दर्द देख परिजन बच्ची को डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जाँच की तो जाँच में सामने आया, उसके बाद डॉक्टर भी हैरत में आ गए। दरअसल बच्ची के पेट से बालों का गुच्छा निकला, वो भी कुछ ग्राम नहीं बल्कि पूरे 2 किलो का बालों का गुच्छा, जिसकी वजह से बच्ची दर्द से कराह रही थी। बच्ची हमारे पास पेट के दर्द की शिकायत से आई थी और शिकायत इसकी यही थी कि इसका विकास नहीं हो रहा उम्र के साथ साथ और आम तौर से उल्टियां करती रहती है और कुछ खा भी नहीं पाती। जरा सा खाते ही इसका उल्टी आने लगती है, पेट में दर्द होने लगता है। तो जांच के बाद फिर ये तय हुआ कि भाई बच्ची को पेट में बालों का गुच्छा, ट्राइकोबिजार इस बीमारी को कहते हैं। अब फिलहाल कुछ समय से तो इसने खाना बंद कर रखा है और जब ऑपरेशन के लिए आई, इसका हमने ऑपरेशन करा तो ऑपरेशन में लगभग इसका वज़न है 2.5 किलो के करीब। बच्ची के लिहाज से वाकई बहुत बड़ा गुच्छा है बालों का। डॉक्टर प्रकाश और उनके टीम ने 14 साल के बच्ची का ऑपरेशन किया, जो कि सफल ऑपरेशन रहा। डॉक्टर प्रकाश के मुताबिक इसकी वजह से मासूम बच्ची को अक्सर पेट में दर्द, उल्टी होती थी, ऐसे में वो कुछ खा भी नहीं पा रही थी। डॉक्टर प्रकाश के मुताबिक ये बीमारी अक्सर महिलाओं में बहुत कम देखी जाती है। बाल खाने की बीमारी मानसिक रूप से पनपती है, जिसके तहत बाल खाने की आदत पड़ जाती है। इस बीमारी को मेडिकल जुबान में ट्राइकोबिजार कहा जाता है। ये एक किस्म की मानसिक बीमारी है जिसमें कि बच्चे बाल खाता है। बच्चा आम तौर से महिलाओं में होती है बीमारी, और बच्चे का तो मैंने ऑपरेशन ही पहले ही किया है। इससे पहले जो 4 ऑपरेशन मैंने किए थे इस किस्म के, वो सब बड़ी महिलाएं थी। बहरहाल डॉक्टर प्रकाश ने सर्जरी के जरिए पेट से 2.5 किलो के आसपास बालों का गुच्छा निकाल दिया है। फिलहाल सर्जरी के बाद बच्ची स्वस्थ है और अस्पताल में भर्ती है। लेकिन इस मामले से परिजनों को सीख लेनी चाहिए कि बच्चों में अगर ऐसे लक्षण हैं तो वो डॉक्टर से संपर्क करें, साथ ही बच्चों को ऐसी आदतों से दूर रखें। पंजाब केसरी टीवी के लिए बिजनौर से गौरव वर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।